हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सेमी पटियाला सलवार की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, बिगनर्स हैं आप, बहुत आसानी से इसको सीख सकते हैं। स्टार्ट करेंगे वीडियो। तो मेरे पास ये 2 मीटर का फैब्रिक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको जो है मैंने यहाँ पे जो इसकी विड्थ है वहाँ से फोल्ड करके रखा है। एंड यहाँ पर इसको हम मेज़र करेंगे तो ये लगभग हमारा 2 मीटर फैब्रिक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो है हमने इसको अब फोल्ड करके रख लिया है, इस तरीके से 4 फोल्ड करके रखा है। सबसे पहले मैंने जो है इसकी अर्ज जो होती है यानी कि जो लेंथ होती है उससे फोल्ड किया है। देन मैंने यहाँ पे इसकी जो विड्थ होती है उससे फोल्ड किया है। इस तरीके से आपको 4 फोल्ड करके रखना है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर बेल्ट को निकालेंगे। तो इस तरीके से जो भी आपकी बेल्ट की लेंथ है वो आपको मेज़र करनी है। यहाँ पर जो बेल्ट की रेडी लेंथ है वो है 7 इंच, तो हमने 7 इंच पर मार्क किया है। 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे जब हम इसको हमारी सलवार से अटैच करेंगे उसके लिए। एंड यहाँ पे हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे जो कि हम यहाँ पे नेफा फोल्ड करेंगे। अगर आप 1 इंच का नेफा फोल्ड करें तो आप 1.5 इंच ही एक्स्ट्रा लीजिए। मैं यहाँ पे 1.5 इंच का नेफा फोल्ड करूँगी तो मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब सिंपली इस लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे एंड इसकी कटिंग करके हम ये बेल्ट का फैब्रिक जो है वो निकाल लेंगे। हमने अभी केवल इसकी लेंथ को मेज़र करके इसको कट कर लिया है। इसकी जो विड्थ है वो हम यहाँ पे बैक का मेज़रमेंट लेंगे प्लस उसमें लूजिंग ऐड करेंगे उसके बाद लेंगे। तो यहाँ पर जो है ये कम है तो अभी हम इसको साइड करेंगे। लेंथ मेज़र करने के बाद जो फैब्रिक नीचे से बचेगा हम उसको यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो अभी जो है हम इसको साइड कर देते हैं और जो हमारा फैब्रिक है उसको हम वैसे ही फोल्ड करके दोबारा से रखेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो ये फैब्रिक है ये 4 फोल्ड है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर लेंथ को मेज़र करेंगे। अब जो भी आपकी बेल्ट की लेंथ है वो आपको इस तरीके से ऊपर निकाल के रखना है इंची टेप एंड टोटल लेंथ को मेज़र करना है। तो यहाँ पे टोटल लेंथ है 38 इंच, तो हमने ऊपर 7 इंच माइनस करते हुए 38 को मेज़र किया है। इसके बाद हम यहाँ पे जो पाचे रखेंगे उसको आपको मेज़र करना है। तो यहाँ पर हमारे जो रेडी पाचे रहेंगे वो रहेंगे 2 इंच के। इसमें हमें नीचे फोल्डिंग के लिए भी 1/2 इंच एक्स्ट्रा चाहिए, तो हम पाचों के लिए लेंगे 2.5 इंच एक्स्ट्रा। एंड हम यहाँ पे जो हमारी सलवार है उसको बेल्ट से अटैच करेंगे तो 1/2 इंच हमें वहाँ पे एक्स्ट्रा चाहिए, तो टोटल हम यहाँ पे 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। एंड इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे एंड जो नीचे बचा हुआ कपड़ा है इसको हम यहाँ पे बेल्ट में यूज़ करेंगे जो हमारी कम पड़ रही थी। अब इस तरीके से हमें यहाँ पर टोटल लेंथ देखनी है एंड एक सेंटर में हम निशान लगाएंगे। अब इस सेंटर के निशान को हम पूरा सीधा करेंगे। नीचे के साइड हम यहाँ पे पाचे का मेज़रमेंट करेंगे, तो हमारे रेडी पाचे हैं यहाँ पे 6.5 इंच के। इसमें हम 1 इंच मार्जर लेंगे तो 7.5 इंच हम यहाँ पे मार्क करेंगे। अब इस लाइन को इस लाइन से सीधा करेंगे। आप चाहें तो इंची टेप से कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे स्केल लेके इस तरीके से आप इसको सीधा कर लीजिए। अब यहाँ पर जो इस साइड वाला है ये हमारे यहाँ पे आसन का हम जो मेज़रमेंट होगा वो लेंगे एंड ये वाली साइड हम इससे ज्वाइंट करेंगे। तो हम यहाँ पे इसको कट करके निकाल देंगे एंड ऊपर वाली साइड से भी जो फोल्ड है इसको हम कट करके सिंगल फोल्ड कर लेंगे। अब ये वाली जो हमारी कली है इसको उठाना है एंड इस तरीके से हमें इसको रखना है। अब यहाँ से हम आसन का मेज़रमेंट करेंगे, तो यहाँ पर आसन रेडी है 9 इंच का। यहाँ पे हमें 1 इंच का मार्जिन लेना है क्योंकि हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने टोटल यहाँ पे लिया है आसन 10 इंच का यानी कि 10 इंच का। अब इसको हम इस तरीके से सीधा करेंगे और सिंपली इसको हम कट करके निकाल लेंगे एंड यहाँ से हमें म्यानी निकालनी है। और यहाँ पर जो है आपको ऊपर नीचे दिख रहा हो उसको इस तरीके से स्ट्रेट कर लीजिए। अब ये जो है हमारे पास इस तरीके से ये 4 पार्ट हैं। 2 पार्ट हम इसको साइड रखेंगे एंड 2 पार्ट जो है यहाँ से हम म्यानी निकालेंगे। इसको हमें ऐसे फोल्ड करके रखना है एंड सिंपली गोलाई में इसकी कटिंग कर लेंगे, तो ये हमारी जो म्यानी है इसकी कटिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने जो है यहाँ पर इसकी कटिंग कर ली है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम सबसे पहले कलियों को ज्वाइन करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास आप देख सकते हैं ये 4 कली छोटी हैं एंड यहाँ पे 2 कली बड़ी हैं। और ये साइड अगर हम बात करें तो ये 4 साइड हैं।
तो ये चार साइड हैं, इनको हम चारों कलियों को यहाँ पे अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक कली ले ली है बड़ी वाली एंड यहाँ पे दो कली हम लेंगे छोटी वाली। अब यहाँ पर जो हमारी बड़ी वाली कली है इसको हम ओपन करके रखेंगे और इसकी दोनों साइड छोटी वाली कलियों को हम ज्वाइन करेंगे। तो इस तरीके से बड़ी वाली कली को हमें सीधा करना है एंड इसके ऊपर छोटी वाली जो कली है इसको हम उल्टा करके रखेंगे और यहाँ पर इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हमारी जो कली है ये अटैच हो जाएगी। इसी तरीके से हमें तीनों कलियों को जो है वो अटैच करना है। तो ये हम जो है ये दूसरी साइड वाली कली जो है इसको अटैच कर रहे हैं। सेम वही प्रोसेस, सीधे ही आपको बड़ी वाली कली रखनी है और उल्टी करके आपको छोटी वाली कली रखनी है और इसको इस तरीके से स्टिच करना है। तो इस तरीके से हमने एक पैर की जो यहाँ पे कली है उनको अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर हम म्यानी को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर जो म्यानी है इसको हमें इस तरीके से उल्टा करके रखना है और यहाँ पर बिल्कुल सिलाई लगाएंगे और इस तरीके से इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद आप म्यानी में टॉप स्टिच ज़रूर लगाएं, यानी कि ऊपर से जो है आप सिलाई लगा के इसको कंप्लीट करें। तो इस तरीके से हमने एक पैर में जो है यहाँ पे दोनों म्यानी जो है अटैच कर ली हैं। इसके बाद अब हम जो है वो दूसरे साइड का यानी कि दूसरे जो पैर का पल्ला है उसको लेंगे एंड इस तरीके से इसके ऊपर उल्टा करके रखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कली जो है वो ऑलरेडी अटैच कर रखी है। अब सिंपली हम जो है यहाँ पे इस तरीके से म्यानी से इसको अटैच करेंगे दोनों साइड से। तो यहाँ पर हमने म्यानी से इस तरीके से इसको अटैच कर लिया है। यहाँ पर आप म्यानी में टॉप स्टिच ज़रूर लगा लीजिएगा जिससे कि वो पक्की हो जाए। अब यहाँ पर हम इस तरीके से दोनों म्यानियों को सेंटर में लेके आएंगे एंड इस तरीके से इसको हमें बिछा लेना है। अब हमें यहाँ पे अटैच करना है हमारी बेल्ट को। तो यहाँ पर पहले हम बेल्ट को रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी लेंथ से फैब्रिक बचा था उसको मैंने यहाँ पे बेल्ट में अटैच कर लिया है। तो इस तरीके से जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे जितना कम था उतना मैंने कट करके इस तरीके से अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर आपको लेना है बैक का मेज़रमेंट। तो यहाँ पर जो बैक का मेज़रमेंट है वो है 50, जिसका हम हाफ करेंगे तो आएगा 25 इंच। अब यहाँ पर हमें 25 में लूजिंग ऐड करनी है, तो मैं यहाँ पे 2 इंच की लूजिंग ऐड करूँगी तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 27 इंच। अब इस तरीके से 1 इंच जो है हमारा यहाँ पे साइड से फोल्डिंग के लिए चाहिए, तो 1 इंच मैंने उसके लिए एक्स्ट्रा ले लिया है। तो टोटल हमने जो ली है यहाँ पे 28 इंच की बेल्ट ली है। तो इस तरीके से आप किसी भी साइज़ की बेल्ट जो है वो निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम बेल्ट की स्टिचिंग करेंगे। इसके लिए हमने जो 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था फोल्डिंग के लिए, यहाँ पर हम इस तरीके से निशान लगाएंगे। ऊपर से 2 इंच का गैप रखना है क्योंकि ऊपर हम नेफा फोल्ड करेंगे। तो यहाँ तक जो है हमें इस तरीके से सिलाई लगानी है। तो आप देख सकते हैं हमने जो है यहाँ तक जो है सिलाई लगा ली है। अब हमें इस तरीके से इसको फोल्ड करना है। तो मैंने यहाँ पे इसको ओपन कर लिया है एंड इस तरीके से हम जो है इसको सेंटर से डिवाइड करेंगे एंड दोनों साइड फोल्ड करके हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से सिलाई जो है ये लगा ली है। अब ऊपर का हमें नेफा फोल्ड करना है। तो यहाँ पे हमने नेफे के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था, तो आप चाहें तो इस तरीके से 2 इंच पे मार्क कर सकते हैं। एंड इसके बाद पहला हम फोल्ड लेंगे 1/2 इंच का, देन हम यहाँ पे लेंगे 1.5 इंच का। इस तरीके से हम इसको पूरी गोलाई में फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल किनारे से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पूरी गोलाई में इस तरीके से नेफे को फोल्ड कर लिया है एंड ऊपर से जो है इस तरीके से ये ओपन रहेगा जहाँ से हम ये नाड़ा डालेंगे। इस तरीके से हमें हमारी बेल्ट को रेडी करना है। अब बेल्ट को सलवार से अटैच करने के लिए हम बेल्ट में 4 निशान लगाएंगे या फिर आप 4 कट लगाएंगे। 2 कट हमारे आएंगे साइड से और 1 हमारा फ्रंट में आएगा और 1 बैक में आएगा। तो इस तरीके से आपको 4 कट लगा लेने हैं बेल्ट में जिससे आप इसको सलवार से ईजिली अटैच कर सकें। तो आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर जो है कट लगा लिए हैं। तो यहाँ पे आप देखिए तो फ्रंट एंड बैक में लगाया है जो कि सेंटर में रहेगा। दोनों साइड हमारे 1-1 कट रहेंगे तो 4 कट लगाए हैं। अब यहाँ पर हमें बेल्ट को अटैच करना है हमारी सलवार से। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बैक साइड देखते हैं। तो बैक साइड यहाँ पे आती हैं 2 प्लेटें। तो इस तरीके से आप चाहें तो पहले प्लेटों को स्टिच कर लीजिए देन सिंपली आप सलवार से अटैच कर लीजिए। तो यहाँ पर हम बैक साइड जो है हम 2 प्लेटों स्टिच कर लेंगे। इस तरीके से जो है आपको अंदर की तरफ दोनों प्लेटों को डालना है। तो यहाँ पर जो है हम पहले सलवार की जो 2 प्लेटें हैं इनको स्टिच कर लेंगे क्योंकि ये बैक साइड आएंगी। तो मैंने यहाँ पे जो बैक साइड वाली प्लेटें हैं इनको स्टिच कर लिया है। अब हमें यहाँ पे बेल्ट को लेना है
एंड जो बेल्ट का यहाँ पे बैक साइड है इस तरीके से जो कट लगाया है हमने बैक वाला, इसको हमें बिल्कुल सेंटर में रखना है और जो साइड वाले कट हैं वहाँ तक हमें बिल्कुल प्लेन सिलाई लगानी है। तो हमारी बैक साइड केवल दो प्लेटें आएंगी, ठीक है। अब हमें यहाँ पे फ्रंट साइड देखना है, तो फ्रंट साइड भी आपको इस तरीके से सेंटर वाला जो कट है उसको बिल्कुल म्याने वाले से बराबर रखना है और इस तरीके से जो प्लेट है उनको अंदर की तरफ आपको डालना है। दोनों साइड से आप अंदर की तरफ डालेंगे। आप चाहें तो पहले प्लेटों को इस तरीके से डाल के उनको स्टिच कर लीजिए और उसके बाद सिंपली आप बेल्ट से अटैच कर दीजिए। तो आप जिस तरीके से भी कंफर्टेबल हो आप इसी तरीके से आपको प्लेटें जो है वो डालनी है। जो साइड वाले कट हैं वहीं तक आपको प्लेट डालनी है, पीछे नहीं डालनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जो है प्लेटों को डाल दिया है। प्लेट डालने के बाद अब जो है आप यहाँ पे ऊपर इसके टॉप स्टिच लगा सकते हैं जिससे प्लेट जो है वो सेट हो जाए। अब हम यहाँ पे नीचे की जो यहाँ पे पाचे हैं उनको रेडी करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने जो पाचे हैं इनको ओपन करके रखा है। अब यहाँ पर मैंने ली है 2 इंच चौड़ी बुकरम। हमने यहाँ पे पाचों के लिए 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो 2 इंच की बुकरम हो जाएगी और ये 1/2 इंच जो हम अभी फोल्ड कर रहे हैं ये वाला, ये एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल ये 2.5 इंच था। अब इस तरीके से हमें जो है पहले वो 1/2 इंच फोल्ड करना है, देन इस तरीके से एक और फोल्ड लगा के अब पाचे जो है हमें रेडी कर लेने हैं। अब आप जो भी डिज़ाइन यहाँ पे डालना चाहते हैं वो डिज़ाइन डाल के आप पाचों को रेडी कर लीजिए। तो यहाँ पे जो है आप सिंपली सीधी सीधी सिलाई लगा के उसके ऊपर एक राउंड सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो पाचे हैं उनको रेडी कर लिया है। सेम ऐसे ही दूसरी साइड वाला पाचा जो है उसको भी आपको रेडी करना है। पाचे रेडी होने के बाद अब यहाँ पर केवल हमें नीचे की जो सिलाई है उसको कंप्लीट करना है। तो आपकी जो भी मोरी है वो आपको यहाँ पे मेज़र करनी है। यहाँ पर पाचे जो है वो 6.5 इंच के हैं, तो 6.5 इंच हम मेज़र करेंगे एंड इस तरीके से पूरी में जो है हमें यहाँ पे निशान लगा लेना है। एंड ये जो है हमें पूरी सिलाई लगानी है इस तरीके से, ठीक है, जो हम निशान लगा रहे हैं। इसी तरीके से दूसरी साइड वाला जो पाचा है उसको भी हम मेज़र कर लेंगे। तो हमें जो है इस तरीके से पूरे में सिलाई लगा के इसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे मैंने नीचे जो है सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लिया है। तो हमारी जो सेमी पटियाला सलवार है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। उम्मीद करूँगी आज की कटिंग और स्टिचिंग आपको समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सिलाई रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।